शुरुआत किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। अभी तक किसानों का प्रदर्शन से दूर रहने वाला संयुक्त किसान मोर्चा भी आज आंदोलन में कूद पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में बैठक करने के बाद 23 फरवरी यानी कल पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी कि शुक्रवार को पूरे देश में किसान आक्रोश दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की कार्रवाई के विरोध में किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत कर एमएसपी की मांग जोर शोर से उठाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि वो देश के गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला भी फूकेंगे। हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिप्रेशन के पीछे जो जबर हुआ है किसानों के ऊपर, इसको पीछे से बैठकर देश का होम मिनिस्टर डिजाइन कर रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उनको, उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार। उधर शंभू बॉर्डर पर बुधवार को हुए भारी बवाल के बाद आज शांति दिखी। किसान शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़े, लेकिन पूरे दिन वहां हलचल बनी रही। चूंकि बुधवार को सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी ताकत लगाकर किसानों को हरियाणा में घुसने से रोक दिया, इसलिए किसानों में भारी नाराजगी दिखी। किसानों ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। बिल्कुल पूरा दुश्मना वांगू किसानों नूं लिया, जिवें किसे बाहरी देश दे होण, सिद्धियां गोलियां मारियां गईयां, साडे ट्रैक्टर तोड़े गए, गड्डियां तोड़ियां गईयां। क्योंकि सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया, इसलिए किसान खामोश रहे और वो अपने 1200 ट्रैक्टरों और बैरिकेड तोड़ने वाली मशीनों के साथ बॉर्डर पर ही डटे रहे। लेकिन किसानों ने ये भी साफ किया कि अगर पांचवें दौर की बातचीत में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनके तेवर तल्ख ही रहेंगे। हालांकि अपने फैसले के मुताबिक किसान नेताओं ने आज कहीं कोई हंगामा या प्रदर्शन नहीं किया। किसान अपने साथ बैरिकेड तोड़ने के लिए जो भारी भरकम मशीनें लेकर आए थे, वो भी बॉर्डर पर खामोश खड़ी रही। लेकिन वहां पर बुधवार को हुई हिंसा के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। सड़क पर चारों तरफ पत्थर पड़े दिखाई दिए, तो वहीं पुलिस की तरफ से दागे गए आंसू गैस के गोले भी चारों तरफ बिखरे थे। इस दौरान चंबू बॉर्डर पर एक घायल किसान भी दिखाई दिया, जिसके पट्टी बंधी हुई थी। बताया गया कि उसके ऊपर रबर बुलेट्स आकर लगी थी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तस्वीर दिखानी है, मैं ये तुम देख सकते हो, अब भाई सट वजी है, ये उस आंदोलन की सट है जो आंदोलन अन्नदाता अपने वास्ते लड़ रहा है। किसान भले ही संघर्ष विराम के बाद आराम करते दिखाई दिए, लेकिन जवान बॉर्डर पर हथियारों के साथ पूरी तरह चौकन्ने थे। बॉर्डर को चारों तरफ से घेरे जवानों ने सुरक्षा में कोई कमी नहीं की और उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों पर नजर बनाए रखी। बुधवार को हुए भारी बवाल के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदर्शनकारी किसानों के निशाने पर आ गए। किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर केंद्र सरकार से विलय होने का आरोप लगा दिया। किसानों ने दावा किया कि बुधवार को पैरा मिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान पंजाब की सीमा में दाखिल हुए और किसानों पर हमला किया। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो आप बहुत वाहवाही लूट रहे हैं कि आप पंजाब के बेटे हैं, आप पंजाब के और किसानों के हक के लिए खड़े हैं, लेकिन ये जो कल जो दो घटना हुई है, कैसे पंजाब की टेरिटरी में घुसकर कोई अन्य फोर्स ऑपरेशन करती है या कोई भी एक्टिविटी करती है, तो क्या इससे मान लिया जाए कि पंजाब पुलिस इसमें पार्टनर है, भागीदारी है? किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अल्टीमेटम दिया कि अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो फिर हरियाणा सरकार पर कार्रवाई करके दिखाएं। मैं पंजाब गवर्नमेंट नूं कहना चाहना, तुसी उन हरियाणा सरकार ते कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री साहब बयानां नाल नहीं सरना, तुसी इमीडिएटली उन्हां ते कार्रवाई करो। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने भी बुधवार को हुई कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार को अंजाम भुगतने की धमकी दी। चूंकि ऐसे प्रदर्शन के बाद अफवाह तेजी से फैलती है, इसलिए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा 23 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैल पाए। हालांकि आंदोलन के बीच सरकार ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है, और यह देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए। ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए
वो लाभदायी हो सके। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जिस पर कांग्रेस ने मोदी की गारंटी का नाम लेकर तंज कसा। मोदी गारंटी? कौन सी मोदी गारंटी है? कहाँ गए 15 लाख रुपए? कहाँ गया काला धन? कहाँ गया MSP? कौन सी गारंटी, किस पे भरोसा करें? मोदी जी पर? असंभव। वहीं बैठक के लिए चंडीगढ़ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के तेवर भी तल्ख ही नजर आए। जो 23-24 फसलें उसी पर कानून बना दो। दिल्ली मार्च में पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग? दिल्ली तो गाजियाबाद से सोनीपत से बनते नजदीक है। राकेश टिकैत ने साफ किया कि वो 23 फसलों पर MSP चाहते हैं और मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के 10वें दिन टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। किसान आंदोलन के चलते टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखे। बॉर्डर पर कई लेयर का सुरक्षा घेरा देखने को मिला। वहीं बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। काम पर जा रहे लोग घंटों जाम में फंसे रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने नवनिर्मित घर में विधि विधान से गृह प्रवेश किया। इससे पहले स्मृति ईरानी और उनके पति ने हवन पूजन किया। अब अमेठी की जनता को अपने सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 7 सीटों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और दोनों पार्टियों के बीच जो सहमति बनती दिख रही है उसके मुताबिक दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा। खबर है कि आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल के घर कुछ देर पहले गठबंधन को लेकर एक बैठक हुई है, जिसमें सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। दिल्ली के अलावा 3 अन्य राज्यों के लिए भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बंटवारे के फॉर्मूले के तहत हरियाणा में कांग्रेस अपनी 1 सीट आम आदमी पार्टी को देगी और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है। इसी तरह गुजरात की 2 सीटें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी हैं। जानकारी के मुताबिक गुजरात की भरूच और भावनगर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। गोवा की अगर बात करें तो वहां आम आदमी पार्टी ने साउथ गोवा सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। हालांकि पंजाब में सीट शेयरिंग पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और यहां गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत भी गर्माती जा रही है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गठबंधन छोड़ने के लिए डराया जा रहा है। जो समन्स अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए हैं उनका जांच से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डराने का प्रयास है, धमकाने का प्रयास है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बता दूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपके गैर कानूनी समन से डरने वाले नहीं है। हम डट कर चाहे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से देश के संसद के चुनाव तक हम भारतीय जनता पार्टी का डट कर मुकाबला करेंगे। इस बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी कर दिया है। इस बार ईडी ने उनको 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन इससे पहले जारी किए गए ईडी के 6 समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से हर बार ईडी के समन को गैर कानूनी बताया गया और मामले के कोर्ट में जाने के बाद ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को भी कहा गया, जिसके बाद ईडी ने एक बार फिर 7वां समन जारी करते हुए केजरीवाल को पूछताछ के लिए 26 फरवरी को बुलाया है। इस बीच बीजेपी ने ईडी के समन से किनारा करने पर केजरीवाल को घेर लिया। 7वीं बार अगर समन पहुंच रहा है परंतु अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल होने से कतरा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आज ये अन्ना हजारे जी के नहीं लालू प्रसाद यादव के शिष्य बन चुके हैं।
बीजेपी ने केजरीवाल पर घोटालों के आरोप लगाते हुए दावा भी किया कि वो ज्यादा समय तक कानून से बच नहीं पाएंगे। ईडी के बार बार समन भेजने पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाबी हमला किया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ईडी कानून के मुताबिक नहीं चल रही बल्कि इसके पीछे सियासी साजिश है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी खुद कोर्ट गई और वहां से केजरीवाल को 16 मार्च तक का समय मिला, लेकिन बार बार समन भेजकर ईडी कोर्ट का भी अपमान कर रही है। पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है, ईडी के पीछे राजनीतिक मंशा है। वहीं मंत्री गोपाल राय ने भी कानून के मुताबिक समन का जवाब देने की बात कही। अभी जो समन आया है उस पे कानूनी राय लेकर के उसका जवाब फिर दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधानसभा भंग करने की प्लानिंग का आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी जनविश्वास यात्रा में नीतीश सरकार पर खूब हमलावर है। यही नहीं, उनकी जनविश्वास यात्रा में जबरदस्त भीड़ भी जुट रही है। तेजस्वी यादव ने यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो विधानसभा भंग करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग हुई भी तो न बीजेपी का खाता खुलेगा और न ही जेडीयू का। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। जनता के बीच पहुंचे तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर जमकर तंज भी कसे। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। वहीं बीजेपी का कहना है कि राजपाट चला गया, इसलिए तेजस्वी यादव ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 30 ठिकानों पर आज सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई किरू जल विद्युत परियोजना में घोटाले के आरोप में हुई, जो जम्मू कश्मीर के CVPPL यानी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड से जुड़ा है। सत्यपाल मलिक 2018-19 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और सूत्रों के मुताबिक पूरा मामला टेंडर दिए जाने की प्रक्रिया में 300 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा है। सीबीआई के ये छापे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार और मुंबई में हुए। इसमें सत्यपाल मलिक के गुरुग्राम के 3 और दिल्ली के 1 फ्लैट पर छापेमारी हुई, जबकि सत्यपाल मलिक के करीबियों के 8 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई। सीबीआई ने 2022 में CVPPL के तत्कालीन चेयरमैन, MD, डायरेक्टर और पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले 29 जनवरी को भी सीबीआई ने 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 21 लाख कैश, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए थे। सीबीआई के छापों पर सत्यपाल मलिक ने एक पोस्ट जारी कर लिखा कि बीमार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हूं, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। दिल्ली के एम्स में देश के कोने कोने से लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन कई बार दलालों के चक्कर में पड़कर वो मोटी रकम गंवा देते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार और दलाली पर रोक लगाने के लिए एम्स प्रशासन ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। अब मरीज और उनके रिश्तेदार व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9355023969 पर मैसेज भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। एम्स प्रशासन का कहना है कि इससे अस्पताल में भ्रष्टाचार और मरीजों से ली जा रही रिश्वत पर रोक लग सकेगी। अगर ऐसी शिकायतें आती हैं कि एम्स के आसपास सक्रिय दलाल जल्द इलाज और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दिलवाने के नाम पर मरीजों से मोटी रकम ऐंठ लेते हैं, साथ ही बाहर से पैथोलॉजी टेस्ट करवाने के नाम पर भी मरीजों को लूटने के आरोप लगते रहे हैं। आरोप ये भी है कि मरीजों से पैसे ऐंठने वाले रैकेट में बाहरी दलालों के साथ एम्स के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। एम्स प्रशासन ने दावा किया है कि मरीजों की शिकायत पर अब तुरंत कार्रवाई की जाएगी और अगर एम्स दिल्ली का कोई कर्मचारी ऐसे मामलों में लिप्त पाया गया तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। भारत ने स्पेस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने भारत के स्पेस सेक्टर में FDI के नए नियम बनाए हैं। सरकार ने संशोधित FDI नीति के तहत स्पेस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दी है। इससे अंतरिक्ष में रिसर्च और सैटेलाइट बनाने में विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गगनयान के जरिए भारतीयों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लक्ष्य की ओर इसरो ने एक और कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसका मतलब है कि इस इंजन की मदद से इंसान को अंतरिक्ष में सुरक्षित यात्रा करवाई जा सकती है।
अमेरिका से भारत आने वाले सेब का इंपोर्ट पिछले साल की तुलना में 16 गुना बढ़ा है। अमेरिका से आने वाले सेब पर लगे 20% रिटेलिएटरी टैक्स खत्म करने की वजह से सेब का आयात बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान ये टैक्स हटाने की बात कही थी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल ने टॉप 15 में जगह बना ली है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 मैच में जायसवाल 2 डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। जायसवाल के अलावा रोहित शर्मा 732 अंकों के साथ 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 41वें से 34वें पायदान पर पहुंचे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार और उनके यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी दी गई है। डॉक्यूमेंट्री का टाइटल द संदेश खाली सॉकर द बिग रिवील है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस डॉक्यूमेंट्री को जारी किया, जबकि इसे शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा कि एक ऐसी सच्चाई जो आपको हिला देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपको दर्द देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपके जमीर को झकझोर देगी। संदेश खाली का वो सच जिसे ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली की महिलाओं ने बताया कि कैसे टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडे उनका यौन उत्पीड़न किया करते थे, कैसे लोगों की जमीन हड़पा करते थे और कैसे उन लोगों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थीं। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में जब महिलाओं से संदेश खाली के हालात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां उत्तम सरकार और शिव हाजरा दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघ चुके थे। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं ने बताया कि कैसे उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। মাঝে আসেন আমাদেরকে এখান থেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, মানে স্বামীদেরকে বলা হয় যে আপনারা ঘর সামলান আর মহিলাদেরকে আমাদের এখানে পাঠাতে হবে মিটিং এর জন্য, কিন্তু মিটিং টিটিং ওসব কিছুই না, আমাদেরকে দিয়ে ওনাদের মনোরঞ্জন করানো হতো। মহিলাও নে বাতায়া কি সুন্দর মহিলাও আর লড়কিও কো রাত ভর পার্টি অফিস মে রাখা জাতা, পরে ওখানে সিলেকশন হতো যে কোন মহিলা দেখতে সুন্দর, কোন মহিলা হচ্ছে স্বাস্থ্য শরীরটা ভালো দেখতে ভালো, সেরকম মহিলা দেখে ওনারা সিলেক্ট করে রাখতেন আর বাদবাকি জনকে বলতেন তুমি বাড়ি চলে যাও। बीजेपी की तरफ से जारी की गई इस डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं ने संदेश खाली से जुड़े कुछ और खौफनाक खुलासे भी किए। संदेश खाली की महिलाओं ने बताया कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडे उनके घर के पुरुष सदस्यों के साथ मारपीट करते थे, यही नहीं उनकी जमीन भी छीन ली जाती थी। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में एक महिला ने बताया कि उनकी खेती वाली जमीन पर शेख शाहजहां के गुंडों ने अवैध कब्जा कर लिया और वहां मछली पालने का काम करने लगे। आड़ाई बीघा जमीन छिलो नहीं नीचे नहीं जमीन जल कर दीचे पूरा मास फिचारी करे शिवर फिचारी करे और निजे मास चाष करते तादर का नियम है शिवर जा। यही नहीं संदेश खाली की महिलाओं ने बताया कि शेख शाहजहां के इशारे पर उनके परिवार के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। टेके मैंने केस दिए थे मेरे माता टाटा फाटी दिले अब मे जमाई टा के केस दिए थे मदर व्यवसा हमारा करे गरीब मानस हमारा ना खेते पारले बाँची ना लोकर दूरे काज करते हैं मैंने एक आधटा केस ना और नखाना केस दिए थे। संदेश खाली की महिलाओं ने ये भी बताया कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां की हिम्मत इसलिए बढ़ी क्योंकि पुलिस और प्रशासन भी उसका साथ दे रहा था। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में एक महिला ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर बीजेपी का समर्थन करने वाले एक परिवार को भयानक यातनाएं दी। महिला ने बताया कि पुलिस और प्रशासन के सामने बीजेपी समर्थक परिवार को मारा पीटा गया, यही नहीं उसके 8 महीने के बच्चे को उठाकर जमीन पर फेंक दिया गया। बीजेपी करे पटाते ना वही पटाते शीतलिया पड़े बीजेपी करे এটাই ওদের দোষ। মানে হঠাৎ তৃণমূলের লোকজন গিয়ে বা শুনেছিলাম প্রশাসনে দুজন অফিসার ছিলেন, মানে ওর স্বামীকে মানে মারতে যায় এবং বউটার কোলে বাচ্চাটা ছিল, ধস্তাধস্তি করার সময় বাচ্চাটাকে এরকম কোল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, বাচ্চাটা 8 মাসের বাচ্চা 8 মাসের। यही नहीं महिलाओं ने ये आरोप भी लगाया कि पुलिस प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, लिहाजा मजबूर होकर उन्हें आंदोलन की मशाल जलानी पड़ी। बहुत बार प्रशासन के जवाब হয়েছে আমাদের কিন্তু প্রশাসন সেভাবে কোনো প্রোটেকশন আমাদের দেয়নি, উপরন্ত আমাদেরকে বলেছে শাহজানের সঙ্গে শিবহাজরার সঙ্গে মিটিয়ে নিতে বা মানিয়ে নিতে, আমাদের কোনো অভিযোগ করার মানে কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। बीजेपी की ओर से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली की महिलाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बेहद नाराज नजर आईं। उन्होंने ममता बनर्जी से चुभते हुए सवाल भी किए। महिलाओं ने पूछा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए बीजेपी का नाम क्यों ले रही हैं, जबकि संदेश खाली में लगभग सभी लोग उन्हीं की पार्टी को वोट देते हैं।
আমরা যে মহিলা আজকে মহিলারা রাস্তায় নেমেছে, উনি একজন মুখ্যমন্ত্রী মহিলা এই কথাটা বলতে পারেন না যে আইআরএস এই এটা তকমা লাগানো ছাড়া অন্য কিছু না। এখানে অন্য কোনো পার্টি নেই, যেখানে আপনার 98% ভোট পেয়ে যায়, পেয়ে গিয়ে মানে মানে নিরপেক্ষভাবে জিতে যায়, সেখানে এখানে অন্য পার্টির গল্পটা আসবে কেন? यही नहीं, औरतों ने ममता बनर्जी से ये सवाल भी किया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि बाहरी लोगों ने संदेश खाली के हालात खराब किए। আমি এইখানে মানে আমি এখানকারই বাসিন্দা, তো উনি এইখানে দাঁড়িয়ে উনি বারবার এই যে মহিলাদের বলছেন, মহিলাদের মুখ ঢাকার কথা বলছেন, কি করবে তাদের জীবনে বাঁচার তাগিদে তারা মুখ ঢেকে কথা বলছে। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में संदेश खाली मामले पर बोलते हुए स्थानीय लोगों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग मुंह ढक कर बात कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं और इन्हें बीजेपी ने संदेश खाली में प्लांट किया है ताकि वहां का माहौल खराब किया जा सके। আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। ऐसे में बीजेपी की ओर से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली की महिलाओं ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। पूरो আমাদের এই সন্দেশ খালি এরিয়া আমরা টিএমসি করি, এখানে আর কোনো পার্টি নেই, আমরা সবাই একটাই পার্টি টিএমসি পার্টি, এখানে আদার্স কোনো পার্টি নেই, আমরা কোনো বৈরাগত না, আমরা এখানকারই স্থানীয়। यही नहीं, आक्रोशित महिलाओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की। ওটা আমরা একদমই চাইছি না যে আমরা চাইছি রাষ্ট্রপতি শাসন আমাদের মধ্যে চলে আসুক। वही संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं का आक्रोश आज एक बार फिर भड़क उठा। इस बार भी धारा 144 की परवाह किए बगैर स्थानीय महिलाएं घरों से बाहर निकल आई और टीएमसी के भगोड़े नेता शेख शाहजहां के भाई शेख सिराजुद्दीन की मछली पालने वाली जगह को आग के हवाले कर दिया। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी और उनकी पुलिस से पूछा कि शेख शाहजहां को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं भी सोच रहा था डीजी साहब से जाके मिलके उनसे पूछूं क्यों शाहजहां अरेस्ट नहीं हो रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन बीजेपी संदेश खाली मामले पर हमलावर नजर आई, उसने ममता बनर्जी के साथ इंडिया अलायंस को भी कटघरे में खड़ा किया। तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ही इनकी जुबान चुप है संदेश खाली में। उधर दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम आदिवासी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए संदेश खाली पहुंची, जबकि एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भी भेजा। अमूल दूध के 50 सालों के सफर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक पौधे के विशाल पेड़ बनने जैसा बताया। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत की आजादी के बाद कई ब्रांड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं और इसके लिए पीएम ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन को शुभकामनाएं दी। साथ ही रिमोट का बटन दबाकर देश भर में अमूल के नए दूध पनीर और इससे जुड़े कई उत्पादों के विस्तार का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पीएम ने अमूल को विश्वास और विकास का प्रतीक बताया। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश। पीएम ने अमूल को दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाने की अपील भी की। अमूल दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, आपको इसे जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाना है। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है और ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि महिला शक्ति की वजह से ही अमूल आज इस ऊंचाई पर पहुंचा। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अमूल की 50वीं सालगिरह के मौके पर लगाई गई एक प्रदर्शनी को भी देखा और इस प्रदर्शनी में अमूल की कई जाने माने विज्ञापनों की तस्वीरें भी लगाई गई थी, जिसमें कुछ कार्टून पीएम मोदी के भी थे। अमूल की बेबी मॉडल के साथ पीएम मोदी के ये कार्टून वाली तस्वीरें काफी लोकप्रिय हैं, जिन्हें पीएम ने बड़े ध्यान से देखा। इनमें अमूल का मक्खन और दूसरे प्रोडक्ट पर पीएम मोदी की ये तस्वीरें थी। खास बात ये थी कि इस प्रदर्शनी में पीएम की जो तस्वीरें लगाई गई थी उनमें केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए कई बड़े फैसलों और योजनाओं को कार्टून के माध्यम से दिखाया गया था। इन तस्वीरों में स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, राम मंदिर समेत भारत की विदेश नीति पर लिए गए कई बड़े फैसलों को दिखाया गया। एक तस्वीर में पीएम मोदी के अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम को दिखाया गया, जिसमें उनके साथ तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। अमूल के ये विज्ञापन वाले कार्टून देश के बड़े मामलों पर समय समय पर बनते रहते हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है। इस मौके पर पीएम ने वहां रखी किताब पर हस्ताक्षर किए और गुजरात डेयरी संघ के अधिकारियों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के बाद मेहसाणा गए, जहां उन्होंने एक रोड शो किया। साथ ही मेहसाणा के प्रसिद्ध वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी दोनों हाथ जोड़कर वलीनाथ महादेव मंदिर के अंदर दाखिल हुए और सबसे पहले नंदी को प्रणाम किया। इसके बाद पीएम ने महादेव पर जल, दूध, दही और पुष्प चढ़ाए और फिर उनकी आरती की। इस दौरान मंदिर के पुजारी पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का उच्चारण करते रहे। महादेव की पूजा के बाद पीएम ने एक रोड शो किया। इस दौरान पीएम का काफिला जहां से भी निकला, वहां सड़क के किनारों पर लोगों की भारी भीड़ पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आई। इस दौरान वहां पीएम के स्वागत में कई लोग गाते बजाते और डांस करते भी नजर आए। वहीं पीएम जब सभा स्थल पर पहुंचे तो लोगों का खुले दिल से हाथ हिलाकर स्वागत किया। मंच के पास की पूरी जगह लोगों से खचाखच भरी थी, जिन्होंने पीएम के सम्मान में नारेबाजी भी की। टाटा ग्रुप के हाथ में आने के साथ ही एयर इंडिया की किस्मत बदल गई है। दो साल पहले सरकारी नियंत्रण से निकलकर टाटा के पास पहुंची एयर इंडिया का कायापलट हो गया है। बीते दो साल में एयर इंडिया की आय में 249% का इजाफा हुआ है। वहीं इस दौरान यात्रियों की संख्या में 33% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की आय बीते दो वर्षों में 148% बढ़ी है। वहीं दो साल में एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों की संख्या 30% तक बढ़ी है। विमानों का बेड़ा भी बढ़ा है और अब एयर इंडिया के पास 117 विमान है, जो दो साल पहले के मुकाबले 50% ज्यादा है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 63 विमान है। फिलहाल एयर इंडिया 84 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। खास बात यह है कि बीते दो सालों में एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या 65% बढ़ोतरी के साथ 18,000 के पार पहुंच गई है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में 6,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। एयरलाइंस का कहना है कि 2024 में उसके बेड़े में 68 नए विमान जुड़ेंगे। गोरखपुर में डायरेक्ट टैक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और उन्हें डायनेमिक मुख्यमंत्री बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर साल राज्य के 75 जिलों का दौरा करते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। साल में कितना सप्ताह है, कितना वीक्स है, 52। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार दो बार भी जाते हैं एक जिला में विद इन वन ईयर, जिसमें 52 वीक्स है। 75 डिस्ट्रिक्ट में एक बार कम से कम जाने वाले एक चीफ मिनिस्टर है तो वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। 2024 में भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरीज में अच्छा इजाफा कर सकती हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी एऑन के सर्वे के मुताबिक भारतीय कंपनियां साल 2024 में कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9.5% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये बढ़ोतरी दुनिया के कई देशों में कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी से ज्यादा है। एऑन के मुताबिक इस चीन में 5.7%, दक्षिण कोरिया में 4.6%, ऑस्ट्रेलिया में 4.1%, सिंगापुर में 4% और जापान में 3.6% बढ़ोतरी का अनुमान है। भारत में सेक्टर के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा 10.1% बढ़ोतरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकती है। वहीं वित्तीय संस्थानों और लाइफ साइंसेज से जुड़ी कंपनियों में 9.9%, केमिकल्स और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में 9.7% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं एफएमसीजी सेक्टर में 9.6 और ई कॉमर्स सेक्टर में 9.2% का इजाफा हो सकता है। एऑन के सर्वे में एक और खास बात सामने आई है और वो ये कि 2023 में नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों की तादाद 20% तक कर रही है, यानी 2022 के मुकाबले 20% कम लोगों ने नौकरियां बदली हैं। सिक्किम में कल अचानक मौसम खराब हो गया और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। इस बीच करीब 150 से ज्यादा गाड़ियां और 500 सैलानी खराब मौसम में फंस गए, जो वहां बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंचे थे। सिक्किम के पूर्वी हिस्से में अचानक हुई भयंकर बर्फबारी ने वहां सब कुछ ढक लिया। ऐसे हालात में वहां करीब 175 गाड़ियां फंस गईं, जिनमें करीब 500 लोग सवार थे। बर्फबारी ऐसी कि हर तरफ कोहरा सा छा गया और लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी वहां बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान पहुंचे और लोगों की जान बचाई। सेना के जवान बड़े, बूढ़े और बच्चों को उठा उठा कर सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखे। कई लोगों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हुआ था ऊपर माता को चक्कर आ रहा है। अभी ठीक लग रहा है?
उल्टी उल्टी आ रही है। पूर्वी सिक्किम में कल अचानक मौसम खराब हो गया और बहुत तेज बर्फबारी होने लगी, जिसमें एक तरफ गाड़ियां फिसल रही थी तो वहीं लोगों को घुटन महसूस होने लगी। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, तो बर्फबारी अब तक मौसम को खुशगवार बना रही थी वही अब मुसीबत का सबब बन गई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में कई रास्ते बंद हो गए। रजौरी, पुंछ, बारामूला समेत कई जिलों में बीते चार दिन से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने बेशक सैलानियों को खुश किया है, लेकिन सबकी मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। गुलमर्ग में इतनी बर्फबारी हो रही है कि गाड़ियां मानो सड़क पर ही जम गई हैं। गुलमर्ग में पहाड़ों पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जमी है, जिससे एवलांच का खतरा बढ़ गया है। इस तरह के पहाड़ी इलाकों में जब मौसम खिल जाता है और बर्फबारी रुक जाती है तो हिमस्खलन का खतरा जो है बढ़ जाता है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी से मुगल रोड भी बहाल नहीं हो पा रही। बीते कई दिन से पुंछ में बर्फ हटाने का काम चल रहा है। बर्फबारी के बीच भूस्खलन भी हो रहे हैं। ऐसे में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज पांचवें दिन भी बंद पड़ा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी अब मुसीबत का सबब बन गई है। घाटी में तो हालात ये है कि पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ अब जानलेवा साबित हो रही है, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में हिमस्खलन यानी एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। वहीं गुलमर्ग में अचानक आए एवलांच में स्कीयर्स का एक ग्रुप फंस गया है। एवलांच की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि एक विदेशी सैलानी लापता बताया जा रहा है। एवलांच में फंसे दो लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू भी कर लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में भी एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा और कुल्लू में एवलांच का खतरा है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में इतनी बर्फ गिर रही है कि 4 नेशनल हाईवे और 387 छोटी बड़ी सड़कें प्रभावित हुई हैं। बर्फबारी की वजह से पीने के पानी की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। Z News.